और बात यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह फंसे सुपर पावर अमेरिका की। यूक्रेन की लड़ाई ने अमेरिका की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया है। ऐसी रिपोर्ट्स लंबे वक्त से आ रही हैं कि अमेरिका के हथियार भंडार खाली हो रहे हैं, मिसाइलों का स्टॉक कम होता जा रहा है, लेकिन दो खबरों ने अमेरिका की बादशाहत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ये खबरें एक साथ आई हैं, अमेरिका का सुपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम फेल हो गया है, दूसरा अमेरिका के सिर्फ आधे F-35 लड़ाकू विमान युद्ध के लिए तैयार हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर अमेरिका की रूस और चीन से आमने सामने की लड़ाई हुई तो अमेरिका क्या करेगा। डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो क्या रूस चीन का मुकाबला कर पाएगा अमेरिका? रूस चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को कैसे रोकेगा अमेरिका? आधी हवाई ताकत से रूस चीन का सामना कैसे करेगा अमेरिका? यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया, तीन खतरनाक मोर्चों में फंसे अमेरिका के लिए एक ही वक्त में तीन बुरी खबरें आई हैं। पहली खबर, अमेरिका का हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम फेल हो गया है। दूसरी खबर, अमेरिकी वायुसेना में शामिल सिर्फ आधे F-35 लड़ाकू विमान ही युद्ध के लिए तैयार है। तीसरी खबर, अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख मार्क मिले ने कहा है कि इस साल रूस को हराना संभव नहीं है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम का फेल होना है। हाइपरसोनिक हथियारों के रेस में रूस और चीन से काफी पीछे चल रहे अमेरिका के लिए ये बहुत बुरी खबर है। चीन और रूस को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने AGM-183 हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को जोर शोर से शुरू किया था। उसके दो टेस्ट फेल होने के बाद प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है। AGM-183 हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला टेस्ट 1 मार्च और दूसरा टेस्ट 13 मार्च को किया गया था, लेकिन दोनों टेस्ट फेल रहे। इसी के बाद यूएस एयरफोर्स के सहायक सचिव एंड्रयू हंटर ने हाउस आर्म्ड सर्विसेज की कमेटी को बताया कि अमेरिकी वायुसेना अब इस प्रोजेक्ट को खत्म करने की तैयारी कर रही है। अमेरिका इस प्रोजेक्ट की जगह अब हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल HACM पर फोकस करेगा। AGM-183 हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को ऐसे वक्त में खत्म किया गया है जब इसके दो टेस्ट होने बाकी थे। AGM-183 हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम का फेल होना यूएस एयरफोर्स के साथ साथ लॉकहीड मार्टिन के लिए भी बड़ा झटका है। वो भी तब जब अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स को लेकर भी एक परेशान करने वाली खबर आई है। अमेरिकी वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल माइकल जे स्मिथ ने फाइटर जेट F-35 को लेकर बड़ा खुलासा किया है। लेफ्टिनेंट जनरल माइकल जे स्मिथ ने कहा कि अमेरिकी बेड़े में शामिल F-35 लड़ाकू विमानों में से सिर्फ आधे ही युद्ध के लिए तैयार हैं। फरवरी में अमेरिकी बेड़े के सिर्फ 540 F-35 फाइटर जेट्स लड़ाई के लिए तैयार थे। लेफ्टिनेंट जनरल माइकल जे स्मिथ ने ये बातें यूनाइटेड स्टेट्स हाउस कमेटी की एविएशन कमेटी को बताई। लेफ्टिनेंट जनरल माइकल जे स्मिथ F-35 लाइटनिंग 2 प्रोग्राम के डायरेक्टर भी हैं। उनका ये खुलासा अमेरिका की हवाई जंगी तैयारियों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका फाइटर जेट्स को अपनी बड़ी ताकत बताता रहा है। लेकिन चिंता सिर्फ इसी बात को लेकर नहीं है। यूएस ऑडिट ऑफिस के दस्तावेजों के आधार पर ब्लूमबर्ग ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। सिर्फ यही अमेरिका के लिए परेशानी की खबर नहीं है। यूक्रेन वॉर को लेकर अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख मार्क मिले ने ऐसी बात कह दी है जो अमेरिका और यूरोप का हौसला तोड़ने वाली है। मार्क मिले का कहना है कि इस साल रूस को हराना मुश्किल होगा, यूक्रेन से रूसी सेना को खदेड़ना मुमकिन नहीं होगा। मार्क मिले ने कहा, बस एक काम किया जा सकता है, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखी जाए। अमेरिका की सैन्य तैयारियों के लिए ये बुरी खबरें ऐसे वक्त में आई हैं जब अमेरिका यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह फंसा हुआ है। ताइवान को लेकर चीन के साथ अमेरिका की टेंशन चल रही है और मिडिल ईस्ट में ईरान ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।